तो ये कितने रुपए की बोतल है भैया? 27 लाख रुपए की। 27 लाख रुपए की। आज आपको दुनिया की सबसे ज्यादा महंगी दारू की बोतल दिखाने वाले हैं। ये देखिए भाई साहब, कैसे हो भाई साहब? मैं ठीक हूँ, आप बताओ। सबसे पहले तो इधर आ जाइए और बता दीजिए दारू का प्राइस कितना है? ये 27 लाख रुपए की दारू है। 27 लाख रुपए की? हाँ। सच्ची में? हाँ। ओ भाई, इसका नाम रॉयल सलूट है। अच्छा, 62 गन सलूट के बाद इसको मार्केट में लॉन्च किया जाता है। पूरे वर्ल्ड में 500 पीसीज ये आते हैं और लिमिटेड एडिशन आता है इसका। अच्छा हाँ, जैसा कि मैं आपको ये खोल के दिखा सकता हूँ, इसकी बोतल देखिए। ये देखो भाई, कितनी देखने में शानदार सी लग रही है ये बोतल। और ये पूरे वर्ल्ड में कितने पीस हैं? अप्रोक्सीमेटली 500 पीसेज आते हैं, लिमिटेड स्टॉक आता है इसका। बस पूरे वर्ल्ड में 500 पीस बनी है इस बोतल की। बस ओ तेरे। और इसकी कुछ ऐसी बॉटल्स भी है जिनके 12 से 14 पीसेज बनते हैं, वो भी ईयरली। अच्छा, वो भी साल में बिकने बहुत मुश्किल होता है उनके। ओके, वो इतनी कॉस्टली होती है कि उसे कुछ ही कस्टमर्स, जैसे जो काफी लग्जूरियस लाइफ जीते हैं, जिनके पास फरारी, रॉयल्स रॉयस, वो इन बॉटल्स को अफोर्ड कर पाते हैं। ओके भाई, सबसे पहले तो आप ये देखो, इस बोतल के लिए ना एक अलग सा पूरा शानदार सा कैबिनेट बनाया गया है। बाकी सारी बोतलें एक तरफ और ये बोतल एक तरफ। इसके ऊपर जैसा कि देख सकते हो आप, गोल्ड का वर्क हो रखा है। कुछ ऐसी बॉटल्स भी आती है जिनपे आउटर पार्ट जो होते हैं वो गोल्ड के लगे होते हैं। हालांकि इतनी कॉस्टली बॉटल नहीं है, 27 लाख की है, लेकिन फिर भी इसकी जो फिनिश है आउटस्टैंडिंग, आप खुद देख सकते हो। बिल्कुल भाई, ये देखो देखने में कितनी शानदार लग रही है। पैकिंग देखिए आप कितनी, इसको पैकिंग अकॉर्डिंग टू अगर आप ऐसे बॉटल देखी जाएगी तो आप नॉर्मली ऐसे देखिए बॉटल को। ये देखो, निकालने में भी डर लगता होगा भैया इसको तो। बिल्कुल, 27 लाख रुपए की है भाई। देखिए देखने में कितनी शानदार सी बोतल लग रही है। तो भैया ऐसा क्या है जो इसका प्राइस 27 लाख रुपए, मतलब क्या है इसके अंदर? ये फर्स्ट ऑफ ऑल हैंडमेड विस्की है, और दूसरी चीज ये है कि ये 24 कैरेट हैंडमेड है। अच्छा, मतलब प्रॉपर कोई मशीन का यूज नहीं है, पूरी हैंडमेड। आप देख सकते हैं इसकी पैकेजिंग जो भी है वो भी हैंडमेड है। सही बात है भाई, सही बात है। और कितना टाइम लगता होगा इसे बनने में, और कहाँ की कहाँ पे बनती है ये? अप्रोक्सीमेटली इसको लग जाता है काफी टाइम, क्योंकि ये हैंडमेड होती है और उसके बाद बैरल में इसे रखी जाती है। इसकी एज वाइज विस्की आती है, 21 साल वाली जो इसकी विस्की होती है उसे 21 साल तक बैरल में रखा जाता है। ओके। और जो 62 वाली होती है उसे 62 ईयर्स रखा जाता है। इस वजह से इनकी मैन्युफैक्चरिंग बहुत कम होती है। अच्छा, जब ही इन्हें, मतलब एक तरीके से आप जैसे ये मान सकते हैं कि किसी बच्चे को हम 10 साल तक पाल रहे हैं, उसी के हिसाब से इसे एक बैरल में पाल के रखना पड़ता है एक बच्चे की तरह। सही बात है जी भाई, बिल्कुल। ओके, तो भैया इसको खरीदने के लिए हमें कैसे पेमेंट करनी होगी? मतलब घर वर के पेपर वेपर लेके आने पड़ेंगे, गाड़ी के पेपर लेके आने पड़ेंगे, क्या लेके आना पड़ेगा? ऐसा कुछ नहीं, आपके पास कैश अवेलेबल है, कार्ड अवेलेबल है, जो आपके पास अवेलेबल होगा पेमेंट आपके ऑन टाइम हो जाएगी, उसी टाइम हो जाएगी। हाँ, और ऐसी कोई बात नहीं कि इस पे GST लगे, वैट टैक्स लगे, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, कुछ भी नहीं है, पूरा पूरा मतलब 27 की तो 27 की है। और इससे कम में भी आती है, 3.5 की, 4 की, 10 की, ऐसा कुछ आती है? वो अभी अवेलेबल नहीं है, वो सोल्ड हो जाती है। अच्छा, आती बिक जाती है? बिक जाती है, कस्टमर्स की डिमांड बहुत। अच्छा, तो भाई साहब अगर आप भी दारू पीने के शौकीन है तो इस बोतल को देख के आपके भी होश उड़ गए होंगे। कितने लोगों की जिंदगी संवर सकती है इस एक बोतल के प्राइस में, तो आपने देख ही लिया होगा। कई लोगों की गाड़ी आ सकती है, कई लोगों का घर आ सकता है, और कई लोग तो अपनी आधी जिंदगी बढ़िया से बिता सकते हैं। एक खास चीज और मैं बताना चाहूंगा, साउदी अरेबिया में जब ये बोतल खुलती है ना गाइस, तो उसके पहले भाई वो लोग नेशनल एंथम करते हैं, ऐसा गूगल पे लिखा हुआ है। तो मतलब आप समझ जाओ भाई इस बोतल की क्या अहमियत है लोगों के लिए। ठीक है, अगर आपको भी पीनी, अगर आपकी पॉकेट अलाउ करती है, तो आपको आना पड़ेगा जी टाउन माइंस में इतनी महंगी बोतल खरीदने। तो भाई आइए और अपने दोस्तों को जरूर पहुंचाइए जो भाई दारू पीने के शौकीन है और कुछ इतनी महंगी चीजें देखने के शौकीन है। जब तक भाई आपने इस वीडियो को मजा, फिर से मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए टाटा, भाई शुक्रिया, शबक है।